इन ट्रायंगल एबीसी पी इज पी डिवाइड्स द साइड एबी सच दैट एपी एंड पीबी का रेशियो बनना शुरू क्यू इज अ पॉइंट ऑन एसी सच दैट पीक्यू पैरेलल टू बीसी फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रेपेजियम बीपीक्यूसी। चलिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पर एबीसी, ध्यान से देखिएगा एबीसी, पी इस पर कहीं पॉइंट है, ठीक है इधर ले लेते हैं, और क्यू एसी पर है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है अच्छा, और हमें इस ट्रायंगल का इस ट्रेपेजियम के एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए गिवन क्या है पहले देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पर दिया है कि पी क्यू पैरेलल टू बी सी, शॉर्ट में लिख देते हैं, एंड ए पी रेशियो पी बी 1:2 दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और में ए पी बाई पी बी इक्वल टू 1:2। चलिए अब हमें क्या करना है, तो टू फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी पी क्यू सी, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है हमारे पास यहाँ पर देखिए ए पी एंड पी बी का रेशियो दिया है 1:2, ये गिवन है, ठीक है एक काम करते हैं, इसमें इसे पलट देते हैं, पी बी बाई ए पी जो हो जाएगा वह 2:1 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। चलिए अब क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 1 बोथ साइड, ठीक है अब देखिए इसे 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एडिंग 1 इन बोथ साइड, दोनों ट्रायंगल का साइड यानी ए पी बी और ए पी क्यू और ए बी सी के साइड आ जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ए पी बी बाई पी बी बाई ए पी प्लस में 1 और यहाँ 2:1 प्लस में 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे ए पी, तो पी बी प्लस का ए पी इक्वल टू में 3:1, पी बी पी बी और ए पी ऐड करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया और ये क्या हो गया ए बी के बाद यहाँ पे नीचे ए पी है 3:1। तो चलिए अब देखिए हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू की बात करते हैं, इन दोनों में तो देखो ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, या फिर एंगल ये दोनों में है कॉमन, ये भी कर सकते हैं, ठीक है हम लोग चलो आपकी बात दूसरा चीज ले लेते हैं, एंगल ये दोनों में है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल ए पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और दूसरा एंगल ये दोनों में है कॉमन है, ठीक है दोनों ट्रायंगल में है कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए पी क्यू के, कैसे एंगल एंगल सिमिलरिटी से, तो जब ये सिमिलर हो गया तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि वी नो डैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर बाई में आपका ए पी का स्क्वायर, या फिर आप इसको होल स्क्वायर भी कर देते ए बी बाई ए पी का होल स्क्वायर, तो ए बी बाई ए पी का वैल्यू हमारे पास ऊपर है, ए बी बाई ए पी है 3:1, तो यहां से हो जाएगा 3:1 का होल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू यानी आ जाएगा यहाँ पे 9:1। अब यहाँ सबट्रैक्ट कर देते हैं 1, सबट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड,
तो ऐसा करने से देखिए क्या होगा, बोथ साइड वन सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू माइनस का 1 इक्वल टू में 9 बाई 1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू ऊपर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा आपका 8 बाई 1। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ए बी सी में से ए पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी सी में से ए पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला बच जाएगा बी सी क्यू पी, जो आपका ट्रेपीजियम था ना बी सी क्यू पी, बी पी क्यू सी, चलो एक ही बात है बी पी क्यू सी। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें इसको सब एरिया ऑफ यहाँ पर ट्रेपीजियम क्या बच गया बी पी क्यू सी और नीचे है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू में 9/1। तो यहाँ से पलट देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बाई में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी पी क्यू सी इक्वल टू में यहाँ पर 1/8 है ना जी, तो ये आ जाएगा क्या 1/8 है, यहाँ पे 8/1 है तो वे पलट गया 1/8 यहाँ पर हो गया, समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि ये रेशियो हो गया कितना 1:8 का, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 23 देखिए।